सदा के लिए मैं दास बन जाता हूं अपने भक्त का। इसीलिए भक्ति देना नहीं चाहते भगवान जल्दी में। अब जब पीछे ही पड़ गया कोई तो फिर ये तो भगवान कर नहीं सकते कि हम नहीं देंगे जी मेरी इच्छा, ये नहीं चलेगा। वो तो भक्त वत्सल है, आज्ञा मानना पड़ेगा क्योंकि दास हो गए। प्रभु तरु तर कपिडार पर, तुलसीदास ने लिखा, ते किए आप समान। आप समान नहीं, नहीं तुलसीदास जी आप क्या लिख गए, आप समान नहीं, राम नीचे है और ये बंदर ऊपर बैठे हैं। समान कहा हुआ, समान तो होते जब बराबर बैठते, उल्टा हो गया। राम दास हो गए, हनुमान जी वगैरह स्वामी हो गए। ये गोपियों ने छोटी छोटी चीज देख के अब कैसे नचाया है दास बनाकर। एक छछिया छाछ देंगे, छाछ मक्खन भी नहीं, नाच दिखाओगे तो शर्त। दिखा रहे हैं। दूसरी आई, हमने तो देखा नहीं कन्हैया, फिर से नाचो। बेचारे कहां तक नाचे, ये तो हजारों है गोपियां और एक के बाद एक तो पानी भरने आती ही रहेंगी और सबकी इच्छा पूरी करना है। इसीलिए तो गो लोग छोड़ के यहां आए। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ध्यान दो सब लोग इस पॉइंट पर। भगवान कहते हैं जीव तो मेरी शरण में आता है, मेरा भजन नहीं करता। भजन माने सेवा। भज इत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी, गरुड़ पुराण। भक्ति माने सेवा, तो सेवा जीव क्या करेगा भगवान की? अरे समर्थ असमर्थ की सेवा करता है। मां पैदा हुए बच्चे की सेवा करती है, वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा क्या मां की सेवा करेगा? कैसे करेगा, उसमें सामर्थ्य ही नहीं। भगवान की सेवा जीव करेगा। भगवान कहते हैं मैं सेवा करता हूं, जीव तो केवल शरणागत होता है। प्रपद्यन्ते माने शरणागत, और भजाम्यहम् मैं सेवा करता हूं। ये सेवा क्या है? योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22 तथा नते माधव ताव का क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता त्वयाभिगुप्ता। 10:2:33 वे रक्षा करते हैं। कौन ते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं संभालता हूं, सेवा करता हूं, ठेकेदार हूं,
ये तो सर्वाण कर्माण में संन्यास मत पराह नन्य नैव योगेन माम ध्यान तो उपासन समुद्धरता। मैं ठेका लेता हूं, तो ये जीव भगवान का अंश है, शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, भगवान से भेदाभेद संबंध है और नित्य दास है। लेकिन माया ने भुला रखा है इसका असली रूप। ये दासत्व तो भूल गया और माया का दास बन गया। माया में आनंद ढूंढ रहा है और वेद कहता है ए सुनो हमारे बच्चों, हमारी नौकरानी के पास मत जाओ, तुम हमारे पुत्र हो, आनंद मेरे पास है। मेरे विपरीत गुण है सब माया में, मैं सत हूं माने नित्य, और माया का अनित्य स्वरूप है। अनित्य माने ये संसार देख रहे हो, एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं रहेगा, ये अनित्य है। और हमारे अंदर ज्ञान ही ज्ञान है और ये माया सबको अज्ञानी बना दिया, इसने सब भूल गए अपने स्वरूप को। मैंने बताया था ना आवरणात्मिका माया ने अपना स्वरूप भुलाया, मैं आत्मा हूं भगवान का दास हूं, सब भूल गया अपने को शरीर मानकर, और नौकरानी जो माया जड़ थी उसमें आनंद ढूंढने लगा। भगवान कहते हैं रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, उसको पाकर तुम आनंद युक्त बनोगे, आनंद नहीं बनोगे। इस शब्द पर ध्यान दो, आनंदी भवत लिखा है वेद में, आनंदो भवत नहीं लिखा है। तुम आनंद बन जाओगे, ब्रह्म बन जाओगे, ना ना ना, ब्रह्म के आनंद से युक्त हो जाओगे। यानी ब्रह्म नित्य है, तुम नित्य, ब्रह्म नित्य ज्ञानमय, तुम भी बन जाओगे नित्य ज्ञानमय, ब्रह्म नित्य आनंदमय, तुम भी बन जाओगे नित्य आनंदमय। तो नासमझी से वो हमारी गलती हो, चाहे हम कह दें माया ने गलती किया जो हमको हमारा स्वरूप भुलाया, जो भी कहो, तो अगर माया ने भुलाया तो भगवान ने बुलाया वेदों के द्वारा, आ जाओ मेरे पास, क्यों नहीं गए? माया का विश्वास किए बैठे हैं, भगवान का विश्वास नहीं है। वो कहते हैं अरे तुम वहां कहां जा रहे हो मेरे, मैं तेरे अंदर बैठा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मंदिर में जाने की शर्त होती, वृंदावन में, चारों धाम में, कहीं भी, तो पंगुले लोग कह देते हमारे तो पैर नहीं है महाराज, हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए। अगर आंख कंपलसरी होती तो सारे सूरदास हड़ताल कर देते, महाराज हमारे तो आंख ही नहीं दी आपने, तो हमको तो फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, दर्शन दिया जाए। भगवान कहते नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा मन चाहिए, मन को शरणागत कर दो और मुझको तुम बाहर किसी मूर्ति में कल्पना करते हो,
कल्पना। देखो ऐसे ठाकुर जी का मुंह है, ऐसी नाक है, ऐसा शरीर है, ऐसा रंग है, या पुस्तक को देखकर गीता भागवत रामायण को, ऐसे है राम ऐसे है श्याम, मन से बनाते हो ना। हाँ। अरे साक्षात मैं बैठा हूं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो सबके अंदर बैठे हैं। हम जिद पर, जिसे कहते हैं मूर्खता की अंतिम सीमा जो हो सकती है, उस पर डटे हुए हैं। और जब कभी किसी की सद्बुद्धि हुई और शास्त्रों वेदों में गया या किसी संत के द्वारा समझने की चेष्टा की, तो उन्होंने बताया भाई देखो उसको पाने के लिए कर्म ज्ञान भक्ति तीन ही मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि सत चित आनंद के हम अंश हैं। तो सत शक्ति से कर्म होता है और चित को ज्ञान का स्वरूप ही है, और आनंद जो है वो भक्ति का स्वरूप है। तो इसमें सत चित से हमारा काम नहीं बना, कर्म ज्ञान से हमारा काम नहीं बना, तो भक्ति के विषय में हमने विचार प्रारंभ किया और ये बताया कि सब अधिकारी हैं भक्ति के, सभी आश्रमों में भक्ति है, सर्वेषां मदुपासनम 11:18-43 भागवत। ब्रह्मचारी को भी आदेश है संध्या करना शुरू करो तो पहला मंत्र है अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षम सदा हिजाभ्यंतर शुचि पद्म पुराण। श्री कृष्ण का स्मरण करो, ये पहला मंत्र है ब्रह्मचारी को संध्या करते समय। कोई कर्म धर्म यज्ञ कोई होता हो, सबके पहले ये पहला मंत्र है। ज्ञानी को भी ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च स्वर्गश्चैव अपवर्गश्च नान्यर्थो मदृते प्रियः। ज्ञानियों का आराध्य मैं हूं, बड़ा सुंदर निरूपण वेद व्यास ने एक जगह पर किया है भागवत में, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयम् लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वम्। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। क्या मतलब? कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। हेलो, हम बड़े बड़े महामूर्खानंद लोग कहते हैं हम जानते हैं, भगवान कहते हैं सब धोखे में हो। और अगर जानते हो तो, नहीं जानते हो तो जान लो। क्या? जो मेरे निमित्त हो उसका नाम कर्म, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम भक्ति। मेरे निमित्त हो जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव
नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जह लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण का पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। देखो भागवत के श्लोक का अनुवाद कितना बढ़िया लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। कुछ भी करो तुम उसका फल श्री कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, नहीं हुई तो तुमने गलत किया। सो सब धर्म कर्म जारी जाऊ जहां राम पद पंकज भाऊ धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। वो योग हो ज्ञान हो कर्म हो धर्म हो तप हो भगवान के निमित्त हो तो सही, अन्यथा सब गलत। तो सभी आश्रमों में सब के लिए कंपलसरी श्री कृष्ण भक्ति और सभी युगों में भक्ति है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् 12:3-52 भागवत। रामायण से समझ लो, कृत युग सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान, हरि ध्यान तरही भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरिय उपाय न दूजा कल युग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव था। सब युगों में भक्ति है, सब ब्रह्मांडों में भक्ति है, सब अधिकारी हैं। ठीक, इसलिए भक्ति मार्ग को ही अपनाना चाहिए। इसीलिए शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था सूत जी महाराज से, पुंसा में कांत श्रेय स्तन में संचित मरहति भागवत 1:1-9। जो पुरुषों के लिए जीवों के लिए मनुष्यों के लिए सबसे और अंतिम और सदा का कल्याण युक्त मार्ग हो वो बताइए। इस कलयुग के मनुष्यों की अकल को देखकर बताइएगा, है बड़ी मेमोरी खराब है आओ आज कलयुग के लोगों की, बड़े कुतर्की है, संशयात्मा है, भ्रष्ट है, पापात्मा है, इनके अनुसार बताइएगा कौन सा मार्ग है कल्याण का।
ये बहुत दिन पहले मैंने आपको प्रश्न रखा था, सौनकादिक बैठे हैं सूत जी से पूछने, सूत जी भी उत्तर देने को बैठे हैं, लेकिन कृपालु अब तक नहीं बोले थे, कल बोलेंगे।